वेलकम डियर फ्रेंड्स वंस अगेन एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंडेक्स नंबर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंडेक्स नंबर के तो इंडेक्स नंबर क्या होता है पहले देखते हैं ये स्टेटिस्टिकल डिवाइस है पहला पॉइंट वैल्यू पॉइंट क्या है इंडेक्स नंबर इज ए स्टेटिस्टिकल डिवाइस फॉर मेजरिंग चेंजेस किस चीज़ को मेजर करता है चेंजेस को इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रुप ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स अगर कोई वेरिएबल्स हैं और एक दूसरे एक दूसरे संबंधित हैं तो वैसे वेरिएबल को के चेंजेस का अध्ययन करता है तो इंडेक्स नंबर इज़ अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस फॉर मेजरिंग चेंजेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स तो ये हमारे पास तीन वैल्यू पॉइंट्स हैं कि पहले पॉइंट है कि स्टैटिस्टिकल डिवाइस है जो कि किस चीज़ को मेजर करता है चेंजेस को मेजर करता है कैसे चेंज को मेजर करता है तो वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिलेटेड वेरिएबल्स के बीच में ओके हमारा एक मार्सा क्वेश्चन ऐसे निकल जाता है नौ दूसरा पॉइंट है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर क्या फीचर्स हैं क्या विशेषताएं हैं क्या उसके गुण हैं इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज एवरेज किस तरह का एवरेज है स्पेशलाइज्ड एवरेज है ओके? ओके तो ये स्पेशलाइज्ड एवरेज है ठीक है एक विशेष प्रकार के एवरेज है दूसरा क्या है दे आर एक्सप्रेज इन परसेंटेज जब भी हम इंडेक्स नंबर की बात करेंगे तो उसका जो फार्मूला होता है हम देख कोई भी फार्मूला देखेंगे चाहे सिंपल एग्रीगेट मेथड का जो फार्मूला है पी जीरो वन इजल टू सिगमा पी वन सिंपल एग्रीगेट मेथड का फार्मूला होगा आपको याद होगा पी जीरो वन इजल टू सिगमा पी वन बाई सिगमा पी जीरो इन टू हंड्रेड वो आगे हम देखेंगे ये सिंपल का फार्मूला है इसी तरह अगर सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड होता तो पी जीरो वन सिग्मा पी वन बाई पी जीरो इन टू हंड्रेड अपॉन एन इस तरीके से बनता है खैर तो दे आर एक्सप्रेस इन परसेंटेज टर्म तो ये हमेशा परसेंटेज उसमें होगा जब भी हम इंडेक्स नंबर का कोई भी फार्मूला देखेंगे आप तो उसमें एवरेज हंड्रेड जो परसेंट जो ये हंड्रेड परसेंटेज के फॉर्म में जरूर होगा नेक्स्ट पॉइंट है दे मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन रिलेशन टू टाइम और प्लेस समय और स्थान है ना उसके उसके आधार पर जो परिवर्तन होते हैं उसका मेजरमेंट करते हैं दे मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन रिलेशन टू टाइम और प्लेस टाइम और प्लेस के रिस्पेक्ट में जो भी परिवर्तन होते हैं तो उन परिवर्तनों को ये मेजर करता है दे मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन रिलेशन टू टाइम और प्लेस नेक्स्ट है दे मेजर द चेंज नॉट कैपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट ये क्या करता है दे मेजर द चेंज नॉट कैपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट जो ऐसे चेंज को मेजर करता है जिसमें जो डायरेक्ट मेजरमेंट के में कैपेबल नहीं दे मेजर दिस चेंज इज नॉट कैपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट मतलब वो हम डायरेक्ट उसका मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हो ऐसे चेंजेस को अगर मेजर करना है तो वो हम इंडेक्स नंबर के माध्यम से करते हैं तो ये इसके फीचर्स ऑफ करेक्ट और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर पहला पॉइंट क्या था ये स्पेशलाइज्ड एवरेज होता है ठीक है एक विशेष प्रकार के परिवर्तनों को मेजर करने के लिए एवरेज होता है इसलिए इसमें जैसे आप पी वन और पी जीरो अब ये किस तरह का है बेस ईयर का प्राइस और ये करंट ईयर का प्राइस वस्तुओं का सेवाओं का होलसेल रिटेल तमाम तरह के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स तो, तमाम तरह के तो स्पेशलाइज एवरेज है दे आर एक्सपेस इन परसेंटेज ये परसेंटेज के रूप में मेजर करते हैं इसको दे मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन रिलेशन टू टाइम और प्लेस टाइम और प्लेस के अनुसार मतलब इसका जो परिवर्तन होगा वो टाइम का भी उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा अगर बेस ईयर बहुत फ्लक्चुएटिंग है हाँ बेस ईयर तो जनरली हम फ्लक्चुएटिंग नहीं रखते हैं लेकिन मान लीजिए बेस ईयर जो करंट ईयर का जो प्राइस है बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए मतलब कि अगर मान लीजिए गैप है बेस ईयर का जैसे हम आज की अगर मूल्य की तुलना करें हम आज़ादी के समय के बेस ईयर को मान लें तो वो अप्रोप्रिएट नहीं हो पाएगा इसलिए बेस ईयर का जो जो होता है वो करंट ईयर बेस ईयर के बीच में बहुत लंबा डिफ, डिफरेंस नहीं होना चाहिए नहीं तो वो वो तुलना जो है किसी काम की तुलना नहीं हो सकती है ठीक है दे मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द रिलेशन टू टाइम और प्लेस दे मेजर द चेंज चेंज नॉट केबुल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट जो डायरेक्ट मेजरमेंट में जिस चेंज को नहीं कर सक कर पाते हैं मेजर नहीं कर पाते हैं वैसे चेंज को हम हम इंडेक्स नंबर के माध्यम से कर सकते हैं नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है द मेजर प्रॉब्लम इन्वाल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर आर पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर पहली बार तुमको ये जानना होगा कि पर्पस क्या है इंडेक्स नंबर का है ना अगर पर्पस अगर क्लियर हो जाता है तो फिर उसको समझना आसान हो सकता है देर इज नो ऑल पर्पस इंडेक्स नंबर मतलब ऐसा कोई इंडेक्स नंबर नहीं सकता जो सारे पर्पस को सॉल्व करे एवरी इंडेक्स हैज़ अ लिमिटेड एंड स्पेसिफिक यूज और पर्पज नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ बी ईयर ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अगर बी ईयर का सिलेक्शन ही हमारा गलत है तो हमारी सारी तुलनाएँ बेकार होंगी तो सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर बेस ईयर एसोसिएटेड विद एन इंडेक्स नंबर इज ए पीरियड ऑफ टाइम दैट इज यूज एज अ बेसिस फॉर कंपेयरिंग चेंजेस वो क्या उसका बेसिस होगा कंपेयरिंग चेंजेस इन प्राइसेस और क्वांटिटीज इन अ गिवन पीरियड ओके एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो प्राइसेज में परिवर्तन होंगे या क्वांटिटी में जो परिवर्तन होगा उसको मेजर को मेजर करने का काम करता है ओके okay? नेक्स्ट पॉइंट है सेलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स और कम्योटीज़ है ना ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स और कम्योटीज द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन एन इंडेक्स नंबर शुड बी डिटरमाइंड बाय द पर्पस फॉर विच द इंडेक्स इज कंस इज कंस्ट्रक्टेड ठीक है सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स और कम्योटीज द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन इंडेक्स नंबर शुड बी डिटरमाइंड बाई द पर्पस ऑफ विच द इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड ठीक है सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ डेटा ठीक है डाटा का सोर्स क्या होगा द डेटा इज स्कैटर्ड ओवर ए लार्ज एरिया सो देयर आर चांसेस फॉर इट्स बीइंग मिसलीडिंग ओके तो ये डेटा जो है बहुत बड़े एरिया में फैला होता है तो उस इसके पूरे संभावना होती है कि ये मिसलीडिंग हो सकता है तो सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ डेटा द डेटा इज स्कैटर्ड ओवर अ लार्ज एरिया सो देर इज अ चांसेज़ फॉर इट्स बींग मिसलीडिंग अगर छोटे एरिया में अगर हम डेटा लेना हो तो वहाँ से जो कंसनट्रेशन जब डेटा का रहेगा तो उसमें वेरिएशन होने की संभावनाएं कम होंगी लेकिन किसी भी डेटा का हम कलेक्शन बड़े बहुत बड़े क्षेत्र में रहते हैं तो उससे जो रिजल्ट निकलता है तो, तो उसके बिखराव गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जैसे मुझे एक क्लास से अगर डेटा लेना है और इसी को मुझे स्कूल्स पूरे स्कूल में लेना हो या अब केंद्रीय विद्यालय नंबर टू दिल्ली कैंट से डेटा लेना हो या पूरे दिल्ली से डेटा लेना तो तो हो, गया। हो गया। तो बिखराव ज़्यादा होगा बड़ा एरिया होगा तो उसकी संभावनाएँ कम हो जाती हैं एक की। तो सिलेक्शन से, से, ऑफ सोर्सेज ऑफ डेटा द डेटा इज स्कैटर्ड ओवर अ लार्ज एरिया सो देर देर आर चांसेज फॉर इट्स बींग मिसलीडिंग नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस कोटेशंस प्राइज ऑफ़ मेनी कम्योनिटी वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ओके जो प्राइस होता है वो एक जैसे एक ही जगह से एक सब्ज़ी मंगलापुरी सब्जी मार्केट में प्राइस कुछ और है और महावीर क़िले में कुछ और है पाला में कुछ और है साधनगर में कुछ और है द्वारका में, में कुछ और है तो ये चीज़ें हो सकती हैं तो प्राइस कोटेशन प्राइस ऑफ मेनी कम्योनिटीज़ वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेलेक्शन ऑफ़ द एवरेज ठीक है सलेक्शन ऑफ़ एवरेज different types of averages such as arithmetic mean mode median geometric mean etc can be used in preparing index number okay index number ha hum to abhi keval arithmetic mean ki madhyam se padhte hain lekin selection of the average ye bhi bahut important hota hai जब हम index number निकालते हैं जो तो हमको कौन से average का हमारे purpose को कौन सा average solve करता है उसके आधार पर हमारा average का चयन होता है So to different types of averages such as arithmetic mean, mode, median, geometric mean, etc. can be used in preparing index number. Okay, next, selection of the uh, okay. selection of the appropriate weight. Okay, the term weight refers to the relative importance of, of different items. Relative importance of different items. Okay, selection of

किस नेता का वेट कितना है इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका समाज के लिए कितना बड़ा योगदान है अगर आज हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री का इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर अगर ऐसा एक सर्वे आ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का सबसे अधिक फॉलोअर्स हैं इसके बाद इटली के प्रधानमंत्री हैं और इसके बाद बाइडन हैं जो बाइडन उनका फोर्टी फोर परसेंट है समथिंग मोदी जी का शायद मुझे जो गलत नहीं हुआ तो सेवेंटी सिक्स परसेंट फिफ्टी सिक्स परसेंट के आसपास में नहीं है तो इस तरीके से तो सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट वेट्स द टर्म वेट रेफर्स टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट आइटम्स नेक्स्ट हमारा सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फार्मूला उसका फार्मूला भी हमारा जिस हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार फार्मूला भी का चैन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तो वेरियस फार्मूला और मैथड्स द स्टैटिस्टिशियन फॉर कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर तो मतलब जो स्टिस्टिजन है सांख्यिक विज्ञ हैं सा, सांख्यिक जो विद्वान हैं सांख्यिकी स्टिस्टिक्स के तो उन्होंने अलग अलग तरह का इंडेक्स नंबर भी डेवलप किया हुआ है तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट फार्मूला तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर अब हम देखते हैं इंडेक्स नंबर के प्रकार कौन कौन से हैं कितने प्रकार के हैं इंडेक्स नंबर उस पर थोड़ी चर्चा कर लें दे कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इन टू थ्री डिफरेंट कैटेगरीज पहला है प्राइस इंडेक्स नंबर दूसरा है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और तीसरा है वैल्यू इंडेक्स नंबर पहला क्या है प्राइस इंडेक्स नंबर दूसरा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर तीसरा है वैल्यू इंडेक्स नंबर ठीक है index number. तो प्राइस इंडेक्स नंबर में देखते हैं इसके भी सब पार्ट हैं जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर है दूसरा है रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर है ओके तो टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज तीन कैटेगरीज होंगी प्राइस इंडेक्स नंबर्स दे मेजर दे मेजर द जनरल चेंजेस इन प्राइसेस बिटवीन द करंट ईयर एंड द बेस ईयर क्या प्राइस इंडेक्स नंबर क्या आप है दे मेजर द जनरल चेंजेस सामान्य जो परिवर्तन होते हैं प्राइसेज में बिटवीन द करेंट ईयर एंड द बी ईयर बी ईयर और करेंट ईयर के बीच में जो सामान्य परिवर्तन होते हैं उसकी बात करता है अब ये सामान्य परिवर्तन को तो हम दो भागों में देख सकते हैं पहला है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर और दूसरा है रिटेल प्राइस नंबर मतलब तो खुदरा जिसको कहते हैं खुदरा मूल्य में परिवर्तन खुदरा मूल्य सूचकांक और यह है थोक मूल्य सूचकांक हिंदी में कहते हैं थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर यह क्या बताता है इट रिफ्लेक्ट द जनरल प्राइस लेवल ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन एज अ होल ये आइटम जो है एज अ होल ठीक है दूसरा है रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर इट रिफ्लेक्ट द जनरल चेंजेस इन द रिटेल प्राइसेस रिटेल प्राइसेज ऑफ वेरियस आइटम्स इंक्लूडिंग द फूड हाउस क्लोदिंग एंड सोन है ना इसकी बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा पहला था टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर पहला है प्राइस इंडेक्स नंबर प्राइस इंडेक्स नंबर में दो पार्ट हो गए होलसेल प्राइस डब्लू पी आई इसको कहते हैं डब्लू पी आई और इसको रिटेल प्राइस इंडेक्स आर पी आई ओके okay? अब आते हैं हमारा दूसरा है Quantity index numbers they measure average changes in quantities and enable us to compare changes in physical quantity of goods produced, consumed or sold. Okay, so they measure average changes in quantities and enables us to compare changes in physical quantity of goods produced, consumed or sold. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है वैल्यू इंडेक्स नंबर नेक्स्ट पॉइंट क्या है वैल्यू इंडेक्स नंबर दे कंपेयर द टोटल वैल्यू ऑफ सम पीरियड विद टोटल वैल्यू ऑफ द बेस पीरियड वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या है दे कंपेयर द टोटल वैल्यू ऑफ सम पीरियड विद द टोटल वैल्यू ऑफ द बेस पीरियड ओके वैल्यू इंडेक्स नंबर है क्या होता है पहले पहला हमने देखा था कि प्राइस इंडेक्स नंबर टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर का पहला पार्ट प्राइस इंडेक्स नंबर उसके दो पार्ट होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर और रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर प्राइस इंडेक्स नंबर के बाद हमारा दूसरा था क्वान्टिटी इंडेक्स नंबर वो क्या मेजर करता है एवरेज चेंजेस इन क्वान्टिटीज़ एंड इनेबल्स अस टू कंपेयर चेंजेज इन फिजिकल क्वान्टिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड कंज्यूम्ड और सोल्ड क्वान्टिटी इंडेक्स नंबर का जो फोकस है वो फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर है वस्तुओं और सेवाओं का जो जो भी वस्तुएं सेवाएं हैं ठीक है वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या है दे कंपेयर द टोटल वैल्यू ऑफ सम पीरियड विद द टोटल वैल्यू ऑफ द बेस पीरियड तो वैल्यू इंडेक्स नंबर उसकी बात करता है टोटल वैल्यू की बात करता है ओके तो प्राइस इंडेक्स नंबर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर तीन बात तीन तरह के हम इंडेक्स नंबर की चर्चा अपने सिलेबस में करेंगे नेक्स्ट हमारा है मैथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स नंबर अब प्राइस इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के क्या तरीके हैं क्या मेथड है क्या तरीका है? है? तरीक है उसके बारे में हम देखते पहले स्क्रीन सेट कर लें इसको ओके okay. तो देखें द वेरियस मैथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द प्राइस इंडेक्स नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर टू हेड्स अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर सिंपल इंडेक्स नंबर और इसी को हम अनवेटेड कहते हैं और दूसरा वेटेड तो वेटेड इंडेक्स नंबर अनवेटेड इंडेक्स नंबर अनवेटेड इंडेक्स नंबर वेटेड इंडेक्स नंबर अनवेटेड इंडेक्स नंबर इज सिंपल इंडेक्स नंबर ओके सो पहली बात फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है चार है पहला क्या इंडेक्स नंबर सार्पेशाइज एवरेज दूसरा पॉइंट था दे आर एक्स दे आर एक्सप्रेस इन परसेंटेज फॉर्म थर्ड पॉइंट था दे मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन रिलेशन टू टाइम और प्लेस चौथा था दे मेजर द चेंज नॉट कैपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट ओके okay. इसके बाद हमने पढ़ा प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर तो हमने कुल आठ पॉइंट डिस्कस किए पहला पॉइंट है पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर हमको जानना होगा प्रॉब्लम जो होती है उसको ओवरकम करने के लिए दूसरा पॉइंट क्या है सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर थर्ड सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ़ आइटम्स और कमोडिटीज़ फोर्थ सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ डेटा फिफ्थ वन प्राइस कोटेशंस सिक्स वन सिलेक्शन ऑफ द एवरेज सेवेंथ वन सेलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट वेट एट्थ वन सिलेक्शन ऑफ एंड अप्रोप्रिएट फार्मूला इसके बाद हमने बोला टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर हमने बोला तीन तरह के इंडेक्स नंबर है टाइप प्राइस इंडेक्स नंबर दूसरा है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स नंबर प्राइस इंडेक्स नंबर को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं होल सेल प्राइस इंडेक्स नंबर डब्लू पी आई और रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर आर पी आई ओके इसके बाद हमने बात किया मैथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स नंबर क्या मैथड्स हैं दो मेथड हैं वेटेड और अनवेटेड और वेटेड वेट अनवेटेड को हम सिंपल इंडेक्स नंबर कहते हैं और ये वेटेड इंडेक्स नंबर ठीक है अब हम इसके बाद बात करते हैं अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर अंडर दिस ईच आइटम इज सपोज टू हैव द सेम वेट अनवेटेड में सबके वेट बराबर एज नो वेट एक्सप्रेसली एक्सप्रेसली असाइन टू एनी देम ओके okay. किसी को वेट नहीं दिया गया इसलिए सारे से वेट बराबर है ओके okay. पहला पॉइंट है इसमें सिंपल एग्रीगेट मेथड अनवेटेड में पहला क्या है सिंपल एग्रीगेट मेथड इन सिंपल एग्रीगेट मेथड हमने बताया था इसका फॉर्मूला ऊपर लिखा सबसे पहले लिखा था पी जीरो वन इज इक्वल टू सिगमा पी वन बाई सिगमा पी जीरो हंड्रेड पी जीरो वन सिंपल एग्रीगेट मेथड का फॉर्मूला यही लिख देता हूँ सिग्मा पी वन बाई सिगमा पी जीरो हंड्रेड सिंपल एग्रीट मैथड इन दिस मैथड लिख दिया था मैंने फॉर्मूला इन दिसर दिस इच आइटम इज सपोज टू हैव सेम वेट हैज नो वेट इज एक्सपेस्ड असाइन टू एनी एनी आइटम पहला पॉइंट हमने बताया सिंपल एग्रीट मैथड इन दिस मैथड एग्रीट प्राइस ऑफ ऑल द सेलेक्टेड कम्यूटीज जितनी भी सिलेक्टेड जितनी भी, भी कम्यूटीज हैं जो सेलेक्ट की हुई हैं उनके के प्राइस एग्रीगेट प्राइस ऑफ ऑल एग्रीगेट प्राइस कमोडिटीज इन द करंट ईयर ये करंट ईयर है सिग्मा पी वन में पी जीरो मीन सिग्मा पी वन जो करंट ईयर है आर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट प्राइस ऑफ द बेस ईयर ठीक है आर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट प्राइस ऑफ द बेस ईयर का प्राइस है सिग्मा पी जीरो इसके बाद है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड ठीक है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड दिस इंडेक्स इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स बिकॉज ये उसके ऊपर इंप्रूवमेंट है इसकी जो थोड़ी बहुत कमियाँ हैं उसको ओवरकम करता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड ओके इंडेक्स दिस इंडेक्स इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टेड बाई द यूनिट इन विच प्राइसेज आर कोटेड ठीक है इस बात से प्रोवाइड नहीं होता है in which unit in which price is quoted it, it is a simple it is a what it is improvement over the simple aggregate price index because it is not affected by the unit by the unit in which prices are quoted next tomorrow weighted index numbers while constructing uh, constructing weighted index numbers uh, rational weights are assigned rational weights okay. असाइन टू ऑल आइटम्स और कमोटीज़ इन एन एक्सप्रिसिट मैनर सच वेट्स इंडिकेट्स द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ आइटम्स और कमोटीज़ इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर तो इसमें कहता है कि सब उन सारी वस्तुओं जो भी सेवाएँ कंजम्पन हैं या जिसको हम इंडेक्स नंबर जिसका बना रहे बनाने जा रहे हैं उसका जो है ना साइंटिफिक तरीके से रैशनल वेट रैसलाइज वेट देना की जरूरत है और सच वेट्स इंडिकेट्स द रिलेटिव इम्पॉर्टेंस ऑफ आइटम्स और कमिटीज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर मतलब ये रिलेटिव इम्पोर्टेंस जो है ना क्यों दस आता है इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाई टू मैथड्स ये तीन दो तरीके से कंस्ट्रक्ट क्या सकता है अंडर दिस मैथड वेट्स आर असाइंड टू वेरियस आइटम्स एंड इन ऑफ फाइंडिंग द सिंपल एग्रीट ऑफ प्राइसिस दीगेट ऑफ द प्राइसिस ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दर लिस्पर इज मैथड पास मैथड एंडीचर्स आइडियल मैथड एक बार इसको देखेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर का मतलब पहला हमारा है वेटेड एग्रीगेटिव मैथड अंडर दिस मैथड वी वेट्स आर असाइंड टू वेरियस आइटम्स

इसका दूसरा हमारा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इन दिस मेथड प्राइस रिलेटिव फॉर द करेंट ईयर आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ईयर प्राइसेस दीज प्राइसेस दीज प्राइस रिलेटिव आर मल्टीप्लाइड बाई द रिस्पेक्टिव वेट्स ऑफ द आइटम ठीक है दीज प्राइज रिलेटिव दिस प्राइस रिलेटिव आर मल्टीप्लाइड बाई द रिस्पेक्टिव वेट्स ऑफ द आइटम these products are added up and divided by the sum weights. These products are added up and divided by the sum of weights. Okay, अब इसको जब फॉर्मूला देखेंगे तो और क्लियरिटी आएगी बस यहाँ पर इसको नोट्स के रूप में हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सी पी आई रिफ्लेक्ट्स द एवरेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज Consumed by a class of people, so they can maintain the same standard of living in the current year as in the base year. Ye kya reflect, karta hai? reflect karta hai ki average increase in the cost of commodities. Average increase in the cost of commodities consumed by a class of people okay? so that they can maintain the same standard of living. इन द करेंट ईयर एज इन द केस ऑफ बेस ईयर तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इस बात का जितने भी एम्प्लॉज है ना, और सरकार इसी के आधार पर लोगों को जो डी ए वगैरह अनाउंस करती है ना तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आर डिटरमाइनिंग द स्कोप एंड कवरेज ऑफ इंडेक्स, दूसरा है फैमिली बजट इंक्वायरी और तीसरा है ऑपटेनिंग प्राइस कोटेशंस. तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सी पी के जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये स्टेप्स हैं पहला डिटरमाइनिंग द स्कोप एंड कवरेज ऑफ द इंडेक्स डिटरमाइनिंग द स्कोप एंड कवरेज स्कोप एंड कवरेज ऑफ द इंडेक्स दूसरा है फैमिली बजट इंक्वायरी और तीसरा है ऑपट्रेनिंग प्राइस कोटेशन ओके okay, ये तीन चीजें हैं डिटरमाइनिंग द स्कोप एंड कवरेज ऑफ द इंडेक्स दूसरा है फैमिली बजट इंक्वायरी और तीसरा है ऑपटेन ऑप्टेनिंग प्राइस ऑफ ओके तो पहले हम देखते हैं डिटरमाइनिंग द स्कोप एंड कवरेज ऑफ इंडेक्स द फर्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड द पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल फॉर होम द इंडेक्स नंबर इज इंटेंडेड पहला काम तो ये है Okay, the first step is to decide the particular class, which class of people for whom the index number is mentioned, intended. Second, our family budget inquiry. The next step is to construct a family budget inquiry by randomly selecting a sample of adequate number of representatives families from the class of people for whom the index is designed. Okay. तो फैमिली बजट इंक्वायरी क्या है द नेक्स्ट स्टेप इज टू कंडक्ट अ फैमिली बजट इंक्वायरी मतलब हर परिवार का बजट का इंक्वायरी कर लिया गया कि आप कित इस पर कितना खर्च करते हो कहाँ खर्च करते हो है ना इस पर बाई रैंडमली सेलेक्टिंग अ सैंपल ऑफ़ एडिक्वेट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फैमिलीज मतलब सैंपल का हमारा साइज छोटा नहीं होना चाहिए सफिशियंट अमाउंट में हमको सैंपल लेना पड़ेगा ठीक है और जितना ही सैंपल हमारा अच्छा होगा उतना ही हमारा इंडेक्स नंबर की एक बढ़ जाएगी फ्रॉम द क्लास ऑफ पीपल फॉर होम द इंडेक्स नंबर अब हमको इंडेक्स नंबर मान लीजिए मिडिल क्लास का निकालना है और हमने in, वो सैम्पल बना लिया रिच uh, पीपल का या पुअर का तो वो हमारा गड़बड़ हो जाएगा तो फैमिली बजट इंक्वायरी तो थर्ड पॉइंट है ऑफ ट्रेनिंग द प्राइस कोटेशन हमको प्राइस कोटेशन लेना भी जरूरी है है ना द थर्ड एंड द लास्ट स्टेप इज टू कलेक्ट द रिटेल प्राइसिसके ये नहीं हुआ तो इंडेक्स नंबर बने क्या मैथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सी पी आई द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टेड बाई द फॉलोइंग टू मैथड्स एग्रीट एक्सपेंडिचर मैथड और वेटेड एग्री एग्रीट मैथड दूसरा है फैमिली बजट मैथड और मैथड ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव ओके तो ये देखने के उठे मैथड ऑफ कंस्ट्रक्ट सी पी आई पहला है एग्रीट एक्सपेंडिचर मैथड और वेटेड एग्रीट मैथड दूसरा है फैमिली बजट मेथड और मेथड मैथड ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव पहला हमारा है एग्रीगेट मेथड में क्या है टू अप्लाई दिस मेथड द क्वांटिटीज ऑफ कम्योटीज कंज्यूम्ड बाय द पर्टिकुलर ग्रुप इन द बेस ईयर आर एस्टिमेटेड एंड दीज फिगर्स आर यूज एज वेट्स Then the total expenditure on each community for each year base and current are calculated. Next, our family budget method. In this method, the family budgets of a large number of people for whom the index is meant are carefully studied. Then the aggregate expenditure of an average family or on a various communities is estimated. These values, these values constitute दूजेज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर अब इसके यूज क्या है ओके इसके, okay, इसके यूज देख लेते हैं हम ओके द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स इट हेल्प्स द इन वेज निगोशिएशन फॉर्मुलेशन फार्मेशन ऑफ वेज पॉलिसी प्राइस पॉलिसी रेंट कंट्रोल टैक्सेशन एंड जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी फार्मोलेसन दूसरा पॉइंट है द गवर्नमेंट एंड बिजनेस यूनिट्स यूज इट टू रेगुलेट द डियरनेस अलाउेंसेज और ग्रांट ऑफ बोनस टू द एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू कंपेंसेट द कम्पेंसेट देम फॉर इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग ड्यू टू प्राइस राइज ठीक है प्राइस मूल्य के बढ़ने के साथ जो कर्म, कर्मचारियों को दिक्कतें हो सकती हैं उनके आ, लिविंग स्टैंडर्ड पर जो इम्पैक्ट आएगा ठीक है तो उसको मेंटेन करने के लिए हम सी का सहारा लेते हैं इट यूज इट इज यूज टू मेजर पावर ऑफ द कंज्यूमर ठीक है परचेजिंग पावर करता है ठीक है कंज्यूमर कितनी परचेजिंग पावर इट इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द चेंज इन द रियल ठीक है इट इज ऑल्सो यूज टू एनालाइज द मार्केट फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सी पी आई इज ऑल्सो यूज एज अ नेशनल इनकम डिफ्लेटर अभी पॉइंट बोला है वो पॉइंट स्क्रीन पर नहीं आया था तो वो देखिए अभी वेज ऑफ़ फार्मेशज पॉलिसी प्राइस पॉलिसी रेंट कंट्रोल टैक्सीमिक पॉलिसी गवर्नमेंट एंड बिजनेस यूज इट टू रेगुलेट द डी एन एस अलाउेंसेज ऑफ और ग्रांट ऑफ बोनस टू द इम्प्लॉज इन ऑर्डर टू कंपेंसेट देम फॉर इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ड्यू टू प्राइस राइज तीसरा है परचेजिंग पावर को देखता है फोर्थ वन है जो जो वेज में जो रियल चेंज हुए हैं उनको समझ में हेल्प करता है इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एनिलाइजिंग द मार्केट फॉर पर्टिकुलर काज सी पी आई इज ऑल्सो यूज एज नेशनल इनकम डिफ्लेटर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सी पी आई को नेशनल इनकम डिफ्लेटर रूप में भी जाना जाता है इसके बाद कुछ है। हल्के हल्के पॉइंट हैं उसको देख लेते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्लिव इंडेक्स बनता है इसलिए कहा जाता है स्पेशलाइज एवरेज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेजर चेंजेस इन द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्राइजिंग मेनी इंडस्ट्रीज इसके बाद हमारा है नेक्स्ट होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर दीज आर द प्राइस इंडेक्स नंबर्स विच मेजर्स द जनरल चेंजेस In the wholesale price of the goods in country. Next utility or wholesale price index number in the indication of inflation. have forecasting demand and supply. Next helps in determining real changes in aggregates, useful in cost evaluation of various projects, and next use of index number helps policy formulation. Index numbers act as economic barometers, helps in setting trends.

डिफरेंस बिटवीन परपस एंड मैथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इग्नोर्स क्वालिटेटिव चेंजेस एंड मैनिपलेंस आर पॉसिबल ये हमारे लिमिटेशन इंडेक्स नंबर के कि रिलेटिव चेंजेस की बात करता है केवल लैक ऑफ परफेक्ट एक्यूरेसी है डिफरेंस बिटवीन परपस एंड मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में बाधाएँ हैं इग्नोर क्वालिटीटिव चेंजेज ठीक है एंड मैनिपलेन आर पॉसिबल तो ये हमारा इंडेक्स नंबर का मेन पॉइंट्स हुआ फिर हम अगली बार कुछ अलग लेकर आएंगे, धन्यवाद